सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में कोरोना वायरस को मात देकर शुक्रवार को स्वस्थ होकर वापस घर लौटी तिब्बतियन मूल की महिला को एसएमओ डॉक्टर विपिन ठाकुर ने महिला के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की शुभकामना संदेश देते हुए पुष्पगुच्छ भेंट किया। वहीं अस्पताल में मौजूद अन्य चिकित्सकों व स्टाफ द्वारा महिला पर पुष्प वर्षा कर तालियों के साथ महिला को हॉस्पिटल से विदा किया। वहीं स्वस्थ हुई तिब्बती महिला ने इलाज करने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों व समस्त स्टाफ का आभार जताया। इस मौके पर एसएमओ डॉक्टर विपिन ठाकुर ने महिला की कोरोना वायरस बीमारी का हौसले के साथ मुकाबला करने की तारीफ की। उन्होंने साथ ही महिला को घर में रहकर आगामी कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हिदायतों का पालन करने को भी कहा। बताते चले कि गत दिनों दिल्ली से लौटी 63 वर्ष की तिब्बतियन मूल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसका सिविल अस्पताल डलहौजी, जो कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, नोटिफाई में किया गया है, वहां पिछले 10 दिनों से उपचार चल रहा था। बुधवार को 10 दिन की अवधि पूर्ण होने पर महिला का फॉलोअप सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। इस फॉलोअप सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ले लियो भाई।